मैं मानसी। सो हम आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड वन इज -3/2 एंड 5/3, थर्ड वन इज 1/4 एंड 1/2। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले फर्स्ट पार्ट से। जब भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, जो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं हमें। जब भी इनके बीच के नंबर्स लिखने होंगे उसके लिए तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम। देखो 3/5 का एलसीएम करते हैं। सबसे पहले 3 के टेबल में 3 आया 1 पे, 5 ऐसे ही, फिर 5 के टेबल में 5 आया 1 पे, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 3 × 5 = 15। दिस इज आवर LCM। अब देखो, अब ये जो नंबर हैं ये चेंज हो जाएंगे LCM के थ्रू, इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 2/3 और क्या है 4/5। देखो इसके नीचे 3 है ना, तो यहाँ से 3 अगर हम छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड करना है। अब यहाँ पे इसके नीचे 5 है तो 5 छुपाए तो क्या बचेगा हमारे पास, 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। अब इसके बीच के हमें कितने बताने हैं, 5 रैशनल नंबर। अभी 10 और 12 के बीच में तो बस एक 11 ही आएगा, तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर सोच लो, उनको दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सपोज करती हूँ मैं 4 से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 10/15 है और 12/15 है, 4 से मल्टीप्लाई दोनों को, ताकि बड़े हो जाएंगे नंबर। वैसे तो एक ही आ रहा था, इनके बीच में हमें चाहिए 5। 10 × 4 = 14, 15 × 4 = 60, ये देखो 12 × 4 = कितना होता है बताइए भाई, जिसको नहीं पता ऐसे करके देख सकते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 48। अब इसके बीच के 5 नंबर हमें मिल ही जाएंगे। देखो 40 के बाद नॉर्मल काउंटिंग करनी है हमें, 40 के बाद क्या आ जाएगा, 41/16, फिर 42/60, फिर 43/60, 44/60, 45/60, हो गए 5। इन दोनों के बीच के 5 नंबर्स ये रहे और ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसमें बस ये है कि जब भी हमें इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा नीचे वाले टर्म। और सेम कैसे होगी, एलसीएम लेके। एलसीएम हमने लिया, फिर इनके जो डिनोमिनेटर थे, जैसे इसके नीचे 3 था, 3 छुपाया तो 5 बच रहा है, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई। इसके नीचे 5 था, 5 छुपाया, फिर 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करा, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ये सेम हो गए ना नीचे वाले नंबर। अब इनके बीच में देखो 5 नंबर आ सकते हैं 10 और 12 के बीच में, 10 के बाद तो 11 आता है और फिर 12 ही आ जाएगा, एक ही नंबर आ रहा है बीच में। तो हमें अब और बड़ा नंबर चाहिए, और बड़ा करने के लिए हमने क्या करा, किसी भी एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को मैंने 4 ले लिया, 4 से इधर भी कर दिया और इधर भी, तो नंबर हमारे बड़े हो गए। ये वाला बन गया 40/60 और ये बन गया 48/60। अब इसके बीच के नंबर तो हम इजीली लिख सकते हैं, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, क्या है सेकंड पार्ट है, -3/2 एंड 5/3। देखो करते हैं स्टार्ट, -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में भी हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो इनके भी डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे क्योंकि सेम नहीं है। लेते हैं एलसीएम 2 और 3 का। 2 गया 2 के टेबल पे, 2 × 1 = 2, 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 कितने पे आता है 1 पे, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 2 × 3 = 6 हो गया। अब ये नंबर चेंज हो जाएंगे ना, -3/2 लिखा यहाँ पे, 5/3 लिखा यहाँ पे, इसके नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 अगर छुपा लेंगे तो क्या बचेगा 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। इसके नीचे 3 है ना, तो 3 छुपा लेंगे तो क्या बचेगा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या नंबर बनते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, और माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, हो गया ना, देखो डिनोमिनेटर सेम। अब तो इनके बीच के नंबर हम लिख ही सकते हैं, देखो भाई -9/6 और 10/6 के बीच के 5 नंबर को भी बता दो। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इस साइड जाना है ना नंबर लाइन के, माइनस वाले इधर की तरफ से, तो कम होंगे नंबर, 10 की से इधर जाएंगे तो हो जाएगा 9/6, 8/6, 7/6, 5/6 और 4/6, ये हो गए हमारे 5 नंबर जो हमारा आंसर होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, और माइनस
सिक्स माइनस 9/6 के इधर की साइड भी जा सकते हैं पॉजिटिव की साइड, तो यहाँ से -8/6 भी ले सकते हैं, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 और आगे आगे आगे। अभी 5 पूछे तो हमने 5 बता दिए, चाहे तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे, दोनों ही ठीक होंगे। बस बीच के नंबर लिखने हैं आपको, ये याद रखना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। और इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में हमें ना ये वाले नंबर के बीच में ना 5 नंबर नहीं मिल पा रहे थे, एक ही था, तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बट इसके अंदर हमें आराम से 5 नंबर मिल गए हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 1/4 एंड 1/2। देखो थर्ड पार्ट 1/4 एंड 1/2। अब इसके बीच के 5 नंबर लिखते हैं, तो इसके भी हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। देखो भाई 4 और 2 को, अब देखो इसको किसके टेबल से कर सकते हैं, पहले 2 के टेबल से करते हैं। 2 यहाँ लिखा, 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 यहाँ लिख दिया। 2 कितने पे आता है, 1 पे, वो यहाँ लिख दिया। अब फिर से 2 के टेबल से करेंगे, 2 के टेबल में 2 कितने पे आया, 1 पे, और ये 1 ऑलरेडी, तो क्या एलसीएम आया हमारा, 2 × 2 = 4। अब इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 1/4 और 1/2। इसके नीचे 4 है, अब हमें 4 छुपाना है। अब 4 तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो 2 × 2 = 4 ही तो होता है, तो मतलब दोनों ही छुप गए। तो जब छुप गए तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 1/4। और 1/2 है, अब इसके 2 तो छुप सकता है ना हमारा, एक 2 छुपाया तो एक 2 बच गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। हो गया ना, देखो डिनोमिनेटर सेम। अच्छा, इसमें हमने क्यों नहीं छुपाया, क्योंकि इसके नीचे 4 था, हमने अगर 2 × 2 = 4 छुपाया तो इक्वल टू के इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2/4। अब इनके बीच के नंबर देखते हैं, आ सकते हैं क्या 5। देखो 1 से 2 के बीच में 1 है, 1/4 है, और फिर 2/4 है, इसके बीच तो कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा नंबर, एक भी नहीं आ रहा। फर्स्ट पार्ट में एक तो आ रहा था, इसमें तो एक भी नहीं है, तो हमें इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से कर देती हूँ, चलो देखते हैं क्या होगा, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब देखते हैं इसके बीच में 5 नंबर्स आते हैं या नहीं। देखो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और 10/20। कितने आ रहे हैं बीच के नंबर, 4। ओ मतलब हमारा तो अभी और इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो हमें 5 की जगह कुछ और नंबर लेना पड़ेगा, ये तो 4 ही आ रहे हैं, तो हम इसको, इसमें 5 जो हमने लिया है ये ठीक नहीं है, हमें और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेती हूँ इसके अंदर 8 ले ले, या 7 ले लेते, चलो 7 लेके देखते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28। डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसके बीच में आएंगे क्या देखते हैं भाई, 7 के बाद क्या आएगा, 8/28, 9/28, 10/28, 11/28 और 12/28। आ गए 5 नंबर, ये वाले 5 हो गए हमारे आंसर, सिंपल। बस हमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले लेना है, बस बीच में 5 नंबर मिलने चाहिए, अगर कम आ रहे हैं तो कोई और बड़ा नंबर ले लो। अब जैसे हमने 5 से किया तो हमारे 4 ही मिल रहे थे बीच में, तो हमने फिर उसको हटा दिया, तो हमने अब किससे करा है, 7 से, तो 7 से करेंगे तो हमारे 5 मिल गए, बस आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, वो कैसे होता है, एलसीएम लेके हम नंबर्स चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं तो हम देख लेते हैं इनके बीच के क्या नंबर है, सिंपल। अब बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।